दोस्तों, क्या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बंद हो गई है? इस तरह के यूमर्स लगातार इस समय मार्केट में फैले हुए हैं। एक्चुअल न्यूज क्या है, एक्चुअल अपडेट क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार की एकमात्र स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है। 2023-25 सेशन में इसको डिस्टेंस लर्निंग का या फिर ऑनलाइन मोड का अप्रूवल नहीं मिला है। इस बात में भी पूरी तरीके से सच्चाई है। अप्रूवल आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, डीईबी की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। हम खुद आपको चेक करवा देते हैं। deb.ugc.ac.in ये डिस्टेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाइए। इस पे आप जाकर 23-24 सेशन के अंदर ऑनलाइन मोड का अप्रूवल भी चेक कर सकते हैं और डिस्टेंस का भी अप्रूवल चेक कर सकते हैं। ये वाला जो सेशन है ये ओडीएल मोड का है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और ये सेशन है ऑनलाइन मोड का। तो चलिए हम ओपन का चेक कर लेते हैं। 23-24 सेशन में हम जाते हैं, लिस्ट को निकालते हैं। आपके सामने लिस्ट जो है वो अपलोड हो गई है। इस पर जाते हैं, चेक करते हैं। ए से स्टार्ट होता है दोस्तों, अल्फाबेटिकली है, तो ये हमारी बिहार की यूनिवर्सिटी है। इस पर हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। आंध्र प्रदेश चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश, अब आ गया है असम। असम के बाद में छत्तीसगढ़, यानी कि बी में, बिहार में नहीं अप्रूवल मिला है किसी भी यूनिवर्सिटी को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का। अब क्या रीजन है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला है? दोस्तों, रीजन ये है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक दूसरा कैंपस बन रहा है। लगभग 120 करोड़ की अनुमानित लागत बताई जा रही है कि इस कैंपस में लग रही है। दोस्तों, अप्रूवल क्यों नहीं मिला है इसके बारे में अब हम फाइनली बात कर लेते हैं। आज के समय में किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल लेना हो या फिर ऑनलाइन मोड का अप्रूवल लेना हो तो उसको मिनिमम ए ग्रेडिंग लेना कंपलसरी हो जाता है। नेक ए ग्रेडिंग के बिना, ए ए प्लस ग्रेडिंग के बिना अप्रूवल नहीं मिलता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का। अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का नेक का इंस्पेक्शन पेंडिंग है। इंस्पेक्शन तो पेंडिंग रहेगा बिकॉज कैंपस इसका नया बन रहा है, उसमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा जाता है फैकल्टी कैसी है, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स कैसे हैं, लैब कैसी है, कैंपस कैसा है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा खंगाल कर देखा जाता है। उसके बाद में नेक की ग्रेडिंग दी जाती है। नेक की ग्रेडिंग के बाद में ही किसी यूनिवर्सिटी को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल मिलता है। तो दोस्तों, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, फिलहाल अप्रूवल नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसकी विजिट नेक की पेंडिंग है, होपफुली अक्टूबर में हो जाएगी तो शायद इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाए, लेकिन कंफर्म भी नहीं है कि अप्रूवल मिल जाए क्योंकि लिस्ट तो आपके सामने आ चुकी है। तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? बिकॉज एक यूनिवर्सिटी के नाम पर बैठना तो बेवकूफी रहेगी हमारे हिसाब से। कहीं ऐसा ना हो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को 2023 में अप्रूवल ना मिलकर 2024 में अप्रूवल मिले और आपका साल खराब हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करना चाहिए, जहां पर भी आपको एडमिशन लेना है ले लेना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर इसमें आपको एडमिशन मिलेगा भी तो आपका सेशन क्लियर होते होते बहुत लेट हो जाएगा। और बिहार में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो अब फाइनली आपको क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप यूपी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के साथ में सटा हुआ पड़ता है उत्तर प्रदेश, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। और अगर आप यूपी की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में एडमिशन ले सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, या फिर मंगलायतन यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में भी करवाती है, ऑनलाइन मोड में भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों, बीएससी एमएससी के कोर्स आपको इन यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल बीए, बीकॉम, एमबीए, एमसीए इस तरह के कोर्स आपको इन यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी या फिर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपका एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।